गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पार्ट नंबर 12 इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आज जो हम प्रूफ इसके अंदर देखने जा रहे हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आप इसको कह सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इसको समझेंगे हम। टॉपिक नेम इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले जो दोनों डेफिनेशन है उसकी हम बात करेंगे। आपको दिमाग में हमेशा ये चीज़ डाल लेनी है कि जब भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात की जाएगी तो वहाँ पे कुछ ऐसा आपको समझना है कि वहाँ पे दो चीज़ों के बीच में कोलिजन हो रहा है, टकराव हो रहा है, और उनका जो मोमेंटम है पहले जितना मोमेंटम था और टकराव होने के बाद जितना मोमेंटम होगा दोनों बराबर ही होंगे, यानी कि मोमेंटम चेंज उनका नहीं होगा। मोमेंटम का आप फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं कि मास इंटू वेलोसिटी, कि पहले उस चीज़ का मास जितना था और पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी वो किसके बराबर होगी, बाद में उसका मास और बाद में उसकी वेलोसिटी। हालांकि मास तो आपका ऐसा हम मान के चलेंगे कि मास टकराने में चेंज नहीं होगा, ठीक है, यानी कि टकराने से पहले एक किलो की चीज़ थी, टकराने के बाद वो आधा किलो की रह जाएगी, ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा केस नहीं ले करके चलेंगे। टकराने से पहले उसका मास जितना है वो सेम रहेगा टकराने के बाद भी, लेकिन वेलोसिटी है वो चेंज मिल सकती है आपको, कि टकराने से पहले वेलोसिटी कुछ अलग थी, टकराने के बाद वेलोसिटी कुछ अलग थी। तो फटाफट से पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। दो तरह से मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इन दोनों को समझिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट क्या बताता है कि फॉर टू और मोर बॉडीज, अगर हमारे पास कोई ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम है, पहले आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब समझिए क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जिसके ऊपर बाहरी कोई चीज़ों का कोई असर नहीं है, क्लियर, यानी कि कोई चीज़ मोशन में है वो मोशन में चलती हुई जा रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर काम नहीं कर रहा, आप ऐसे समझ सकते हैं अभी, ठीक है। एक बार लगा के छोड़ दिया उसको, भूल जाइए आप, अब बाद में उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम्स के अंदर दो बॉडीज भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई बाहरी कोई फोर्स काम ना करे, बाहरी कोई चीज़ों का कोई इफेक्ट ना हो, तो उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। तो अब हमारे पास ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं या दो से ज़्यादा बॉडीज हैं, दो हो सकती हैं, दो से ज़्यादा हो सकती हैं, एक्टिंग अपॉन ईच अदर, और एक दूसरे से, मतलब एक्टिंग अपॉन ईच अदर का मतलब क्या है कि एक दूसरे से टकरा रही है, एक दूसरे से मिल रही है, कॉन्टैक्ट में आ रही है, ठीक है। देयर टोटल मोमेंटम, तो उनका टोटल मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, कब तक, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक उस आइसोलेटेड सिस्टम पे कोई बाहरी कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक उनका टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। चलिए हो सकता है पहली डेफिनेशन से आपको समझ में नहीं आया हो, तो इसलिए मैंने दूसरी एक और डेफिनेशन भी लिख दी है कि जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है और ये कोई दूसरी बॉडी है, ये बॉडी इधर जा रही है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी स्पीड क्या है, कम है, तो इससे टकराएगी, ठीक है। अब समझिएगा, टकराएगी तो क्या होगा, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, टकराने से ठीक पहले उस सिस्टम का जितना मोमेंटम होगा, एंड इज देयर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है, और उनका जो मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, ठीक है, कोलिजन के बाद विल बी सेम, यहाँ पे ये लाइन और लिख लीजिएगा, विल बी सेम या अनचेंज्ड, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन एंड इज देयर टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन विल बी सेम, ठीक है। बिफोर कोलिजन जितना मोमेंटम होगा वो बराबर होगा आफ्टर कोलिजन के, इस लाइन का यही मीनिंग है, आप ये चाहो तो ये इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि देयर फोर द मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे, तो एग्जाम्पल फटाफट देखिएगा सभी और अच्छे से समझिएगा। अगर आपसे प्रूफ पूछा जाता है कि प्रूफ कीजिए, ठीक है, कि कैसे किसी सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है वो सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, क्लियर। तो अब पहले हम मोमेंटम देखिए, समझने के लिए हम दो ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे,
वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, चाहे आप दो बॉल्स ले सकते हो, दो गाड़ी ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हैं। कि मोमेंटम समझना है तो कोलिजन होना होगा उनके अंदर। तो हमने मान लिया जो ऊपर मैंने थ्योरेटिकल लिखवाया गया है उसी को मैं बोल रहा हूँ, आप थ्योरेटिकली वहाँ से देख सकते हैं कि हमने ये एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। ये सभी आपके पास में एक आइसोलेटेड, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो पूरा है आपके पास में एक आइसोलेटेड सिस्टम है, क्लियर। ये पूरा आपके पास में एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आप ये कह सकते हैं। अब इस आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हो रहा है कि शुरुआत में हमारे पास में ये आपको दो बॉल दिखाई दे रही हैं, ये दो बॉल आपको दिखाई दे रहे हैं। हर एक बॉल का मास आपको गिवन है, क्लियर। हर बॉल का आपको मास गिवन है कि जैसे आपके पास में पहली बॉल है, ये वाली बॉल, इसका मास एम ए से रिप्रेजेंट किया है, ये ए बॉल है, ये बी बॉल है, इसका मास एम बी है। और मैंने पहले आपको बताया जब ये टकराएंगी तो इनका मास कोई चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। अब देखिए, ए बॉल की स्पीड इनिशियल वेलोसिटी आप कह सकते हैं कि ए बॉल की इनिशियल वेलोसिटी यू ए है और बी बॉल की इनिशियल वेलोसिटी यू बी है। इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बॉल के लिए यू ए रिप्रेजेंट कर लिया सबस्क्रिप्ट, बी बॉल के लिए बी सबस्क्रिप्ट यूज कर लिया। अब देखिए, ये तो थी टकराने से पहले, लेकिन जैसे ही ये बॉल एक दूसरे से टकराएंगी, पहले टकराने का रीजन देख लो कब टकराएंगी। अगर मान लीजिए पीछे से जो बॉल ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, ये भी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो ये कब टकराएंगी, जब पीछे वाली बॉल यानी कि इस वाली बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, दैट इज यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, ठीक है। जब ये वेलोसिटी ज़्यादा होगी आगे वाली बॉल से तो पीछे वाली बॉल इससे टकराएगी, क्लियर। तो कोलिजन आप देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन क्या रिप्रेजेंट करी है, कोलिजन। बी जो फिगर है वो क्या रिप्रेजेंट करी है, टू बॉल्स के बीच में कोलिजन। तो जैसे ही कोलिजन होगा तो क्या होगा, ये जो पहली बॉल है ए बॉल, ये इस पर एक फोर्स लगाएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, तो दूसरी बॉल भी इस पर एक फोर्स लगाएगी, क्लियर। एफ ए बी क्या है, फोर्स एग्जर्टेड बाई बॉल ए एट बॉल बी। सिमिलरली एफ बी ए जो कि इस डायरेक्शन में है, यानी कि ए ने तो इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाया, तो बी इसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी एक बार, क्लियर। लेकिन जैसे ही ये कोलिजन होगा तो उनकी स्पीड में चेंज आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। हाँ, वो चीज़ अलग है कि फोर्स जरूर लगाएगी बी बॉल ए बॉल पे इस डायरेक्शन में, लेकिन ये बॉल कितना इस साइड जा पाएगी या नहीं जा पाएगी वो डिपेंड करेगा इसकी वेलोसिटी पे, या टकराने की टकराने के टाइम जो इनकी वेलोसिटी थी उस पे डिपेंड करेगा, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं कि इतना हमें देखने को मिला न्यूटन्स थर्ड लॉ की हेल्प से कि दोनों ऑब्जेक्ट्स ने एक दूसरे पे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाया, लेकिन इस फोर्स की वैल्यू जो है बराबर है, मैग्नीट्यूड सेम है, कि ए ने जितना फोर्स लगाया बी ने उतना ही फोर्स लगाया। ये आप एरो के साइज की हेल्प से आप देख सकते हैं, क्लियर। यहाँ पे एरो का जो साइज है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि एक तो मैग्नीट्यूड वाई ये दोनों फोर्स बराबर हैं, और दूसरा इन दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलग अलग है, कि ए ने बी पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में तो बी ने फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा कि आफ्टर कोलिजन, एक बार टकराव हो चुका, टकराव होने के बाद में फिर से ये दोनों बॉडीज हो सकता है अलग अलग हो जाएं और अलग अलग वेलोसिटी से मूव करने लग जाएं, या कई केस में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बॉडीज फिर से एक दूसरे से चिपक करके मूव करें एक ही डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये मान लिया है कि टकराने के बाद दोनों बॉल्स मूव करने लग गई, लेकिन डायरेक्शन उनकी चेंज नहीं हुई, सेम डायरेक्शन में टकराने के बाद वो मूव कर रही हैं, क्लियर। मास में कोई चेंज नहीं है। तो देखिए, पीछे से अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है ज़्यादा तेज़ रफ्तार से और उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको टक्कर लगाएगा, तो जाहिर सी बात है आगे वाली चीज़ की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और पीछे वाले की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उस टाइम के लिए टकराते ही उस टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस पॉइंट को समझना आपको ज़रूर,
कि जैसे ही पीछे से कोई तेज रफ्तार वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है, अपने आगे वाले ऑब्जेक्ट से वो टकराएगा, तो उस टाइम के लिए जैसे ही टकराव होगा, यानी कि जैसे एक सेकंड के लिए हो सकता है, आगे वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड तो बढ़ जाए और पीछे वाले की स्पीड थोड़ी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो जैसे ही कोलिजन होगा, कोलिजन के जस्ट बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये वाली जो वेलोसिटी है VB, दैट विल बी ग्रेटर देन VA, ठीक है, इससे क्या हो जाएगी, कुछ ज़्यादा हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आपको ये देखने को मिलेगी। तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आया, उसको हमने VA नाम दे दिया, और टकराते ही जो आगे ऑब्जेक्ट चल रहा था उसकी वेलोसिटी में भी चेंज देखने को मिला, तो उसको भी फाइनल वेलोसिटी VB से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। लेकिन क्या देखने को मिला कि जो VB है वो ज़्यादा होगी VA से, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, मासेस सब हमें कन्फर्म हो चुके हैं। अब हम अपना जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है, वहाँ से जो हमने डेरिवेशन देखा था, वहाँ पे जो फोर्स की जो वैल्यू हमारे पास में बेसिक इक्वेशन निकल करके आई थी कि F इज इक्वल टू, ये आई थी ना, M इंटू में V माइनस यू बाई टी, क्लियर। इसी इक्वेशन का, बेसिक इक्वेशन का हम यूज़ करके लिखेंगे, यहाँ पे V फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटीज हैं उन ऑब्जेक्ट्स की, M मास है। तो इसी का यूज़ करते हुए फटाफट से देखिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। अब दो ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम होगा तो उसको हम मोमेंटा नाम देंगे, मोमेंटा जो है वो प्लूरल है, ध्यान रखिएगा। मोमेंटम एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, और मोमेंटा एक प्लूरल है, वो दो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाएगा। तो पहले आप जो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम था, ये वाला सिस्टम अगर आप बात करें, ये वाला सिस्टम कोलिजन से ठीक पहले, तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकाल लीजिए। तो पूरे सिस्टम का मास, यानी कि पहले इस वाली बॉल का मोमेंटम निकालिए, फिर इस वाली बॉल का मोमेंटम निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों मोमेंटा को ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकल कर क्या आ जाएगा। ऐसे ही हम आफ्टर कोलिजन के लिए क्या करेंगे, पहली वाली बॉल की फाइनल वेलोसिटी और मास मल्टीप्लाई कीजिएगा, दूसरी वाली बॉल की फाइनल वेलोसिटी और मास मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो हमारे पास में टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन निकल कर क्या आ जाएगा। ये दोनों मोमेंटम, बिफोर मोमेंटम इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम, दोनों बराबर अगर प्रूव होकर के आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यानी कि जितना इस सिस्टम का मोमेंटम कोलिजन से पहले था और वही बराबर आ रहा है किसके, आफ्टर कोलिजन। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि दोनों सिस्टम का जो मोमेंटम है वो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, और यही हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। तो देखिए, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए फटाफट से थोड़ा देखिएगा जल्दी। तो पहली बॉल का मोमेंटम ये हो गया हमारे पास में इनिशियल मोमेंटम, और ऐसे ही पहली बॉल का ये फाइनल मोमेंटम हमें आफ्टर कोलिजन रिप्रेजेंट होकर के मिलेगा। तो जो नेट फोर्स जो देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ, सेकंड लॉ, यही था ना कि जो फोर्स की जो डेफिनेशन है सेकंड लॉ की हेल्प से क्या है कि फोर्स एग्जर्टेड या फिर एक्सटर्नल फोर्स, क्लियर। हालांकि वो चीज़ ठीक है, हम एक्सटर्नल फोर्स का नाम ना दे करके यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सिस्टम के अंदर ए बॉल ने बी बॉल पे जो फोर्स लगाया वो हम कह सकते हैं एक्सटर्नल की बजाय, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही सिस्टम आइसोलेटेड बोला है, क्लियर। तो वो जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, तो सिंपल आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो थोड़ी देर पहले अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया गया था कि एम ए, यानी कि बॉल ए, क्योंकि हम बॉल ए की वजह से फोर्स निकाल रहे हैं बॉल बी के ऊपर, तो इतना फोर्स उसने एग्जर्ट किया। ऐसे ही हमने क्या पढ़ा रहा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, जितना फोर्स ए बॉल ने लगाया है बी बॉल के ऊपर, ऑपोजिट डायरेक्शन में बी बॉल ए बॉल पे भी लगाएगी ये। अब डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसलिए आप देखेंगे कुछ देर बाद यहाँ पे माइनस साइन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ए बॉल ने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया था तो बी बॉल इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से नेगेटिव साइन जो है यूज कर लिया जाता है। तो आगे आप देखिएगा अभी, चलिए अब यहाँ पे देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जो फोर्स एग्जर्टेड बाई
बॉल ए ऑन बी, बॉल बी इज इक्वल टू फोर्स एग्जर्टेड बाय बॉल बी ऑन बॉल ए, और वो दोनों क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे मैग्नीट्यूड वाइज, तो ठीक है, लेकिन डायरेक्शन वाइज क्या, अपोजिट होंगे, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज क्या होंगे, अपोजिट। और उसी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या यूज किया है, माइनस साइन हमने यूज किया है, यानी कि ये एफ ए बी की डायरेक्शन है तो ये एफ बी ए की डायरेक्शन है, क्लियर। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज कहा दोनों बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन वाइज क्या है, अपोजिट हैं, तो इसलिए इस डायरेक्शन को, ये अपोजिट डायरेक्शन, इन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या, नेगेटिव साइन यूज किया, क्लियर, इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज किया हमने। अब वैल्यूज को बराबर पुट कर दीजिए, ये एफ ए बी की वैल्यू आ गई जो ऊपर आपको दिखाई गई है, ये एफ बी ए की वैल्यू है। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि देखिए नीचे टी है, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इधर एम ए है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही एम बी है, उसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया। फिर आप लोगों ने क्या किया, जैसे देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे आप इसको टी से टी कट करने के बाद में आपको इक्वेशन मिलेगी कि इसको आपने मल्टीप्लाई किया, एम ए वी ए मिला, माइनस एम ए यू ए देखने को मिला, फिर इक्वल टू का साइन। अब इधर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस यहाँ पे है एम बी वी बी, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो एम बी वी बी, सॉरी एम बी यू बी ये देखने को मिला, क्लियर। एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन की, माइनस एम बी वी बी और माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी ये देखने को मिला। इन्हीं इक्वेशंस को आपने रीअरेंज कर दिया, कैसे रीअरेंज किया, कि जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं उनको एक साइड पुट कर दिया और जो फाइनल वेलोसिटीज हैं उनको एक साइड लेकर के चले गए। जैसे ये मान लीजिए आपके पास में एम बी वी बी, वी इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी है, इस टर्म को एक साइड ले आए, और ऐसे ही एम ए यू ए ये इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक साइड इनिशियल वेलोसिटी आप लेकर के आ गए। तो अब देखिए रीअरेंज किया आपने तो क्या देखने को मिला, एक साइड आपके पास में ये इनिशियल वेलोसिटी दिखाई दे रही है, एक साइड आपको उन बॉल्स की फाइनल वेलोसिटी दिखाई दे रही है। तो जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगी, यही तो चीज़ आपको दिखाई थी आपको शुरुआत में, कि बिफोर कोलिजन ये जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट करिए, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ध्यान रखिएगा ये जो एल एच एस है ये क्या रिप्रेजेंट करिए, टोटल मोमेंटम या नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। और राइट हैंड साइड में जो टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रही है, ये आर एच एस साइड जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल मोमेंटम उसी सिस्टम का आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद। और देखिए ये दोनों क्या आए हैं, जब हमने सोल्व किया है तो बराबर आए हैं, तो यही तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि नेट मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी कि कोलिजन से ठीक पहले जितना मोमेंटम था उनका, उतना ही मोमेंटम कोलिजन के ठीक बाद मिलेगा। कंडीशन याद रखनी है कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करना चाहिए, सिस्टम आइसोलेटेड होगा तभी आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये सिस्टम इम्बैलेंस इक्वेशंस जो है इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगी, क्लियर। तो यहाँ पे यही चीज़ मैंने फिर से लिखी भी हुई है, आप देखिएगा कि एम ए यू ए प्लस ये पूरी टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स ए एंड बी बिफोर कोलिजन, क्योंकि यू ए और यू बी है इनके अंदर, ठीक है, तो इसलिए टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, क्योंकि उनकी वेलोसिटी कोलिजन से पहले यू ए और यू बी थी, और बाद में उनकी वेलोसिटी क्या होगी, वी ए और वी बी होगी, इसलिए दोनों मोमेंटम आपके इक्वेशन 9.7 से बराबर आ रहे हैं। तो ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसका आप यूज़ कीजिएगा तभी आप न्यूमेरिकल फाइंड आउट कर पाएंगे। और जो फोर्स वाला जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, ये फॉर्मूला भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, और ये इक्वेशन इसको आपको कभी नहीं भूलना है, क्लियर।
तभी आप लोग जो एग्जाम्पल 9.6 है वो आप सोल्व कर पाएंगे, मैं गारंटी ले सकता हूँ इस चीज़ की। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो यू कैन सोल्व एग्जाम्पल नंबर 9.6 वेरी इजीली। आज के लिए इतना ही, फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।